इंडस्ट्री में बहुत सारे ब्रेकअप्स होते हैं, लेकिन कुछ ब्रेकअप ऐसे होते हैं जो नेशनल लेवल पर डिबेट क्रिएट कर देते हैं, और इस वक्त ऐसा ही वरुण और दिव्या के केस में हो रहा है। दिव्या अग्रवाल ने कल के दिन अपना ब्रेकअप अनाउंस किया वरुण सूद के साथ। एक अच्छी खासी कंपैटिबिलिटी, एक अच्छी खासी कंपेनियनशिप को इतने लंबे समय से इन दोनों ने बरकरार रखा था, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों अलग हो गए, जिसके बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं। वरुण पर सवाल उठ रहे हैं, दिव्या पर सवाल उठ रहे हैं, और इन सारे सवालों पर जो भी लोग दिव्या को ट्रोल कर रहे हैं उनके सपोर्ट में खुद वरुण के पापा यानी कि विनीत सूद आ गए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है दिव्या को लेकर, चलिए आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम टू फीफा फूस, मैं हूँ ज्योति नाहक। आप सभी को बता दूं कि वरुण सूद के जो पापा हैं विनीत सूद, जी हाँ, दिव्या इतने टाइम से वरुण को डेट कर रही थी, कहीं ना कहीं इस साल या अगले साल तक शादी करने वाले थे। हाल ही में इन दोनों ने एक साथ अपना घर लिया। सो इट इज एक्चुअली अ वेरी ट्रेजिक स्टेट कि किस तरीके से ये दोनों अलग होने का डिसीजन ले रहे हैं, और ये दिव्या का डिसीजन है, वरुण का नहीं। अब इसी बीच मैं आपको बता दूं कि दिव्या को जहां ट्रोलिंग मिल रही है, वरुण सूद सामने आ गए हैं और उन्होंने काफी कुछ लिखा है दिव्या के लिए। जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ। वो कहते हैं, रिस्पेक्ट दिव्याज डिसीजन, यू बोथ loved each other, you still do, it's life, I have no negativity for Divya, she was and will continue to have my unfiltered affection and care, cherish your times in togetherness and wish her luck and good speed, God speed in life, mom and I do, rock on। जी हाँ, यानी कि वरुण की मम्मी और पापा दोनों ने ही अपना सपोर्ट दिव्या की तरफ दिखा दिया है। बट स्टिल इट इज वेरी अनबिलीवेबल कि जब वरुण इतने सपोर्टिव हैं, उनके पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं, तो फिर आखिर ऐसी कौन सी वजह थी, कौन सा रीजन था जिसकी वजह से दिव्या अग्रवाल ने ये डिसीजन लिया है। क्या कुछ आपको है कहना इस पर, बताइएगा जरूर कॉमेंट सेक्शन में।